मामला सुल्तानपुर जिले के बादमंडी चौराहे का है, जहां आज न्यूज कवर करते समय दिखाई पड़ा कि पचासों की संख्या में लोग अपने घर को छोड़कर रोड पर आ गए थे। और ये रोड पे आना कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, ये रोड पर अपने पेट को पालने के लिए आए। इन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि इनको हर प्रकार के खाने और पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए, क्योंकि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद दो चार दिन तक इन गरीब तबके के लोग जो कि रोजमर्रा कमाते थे और खाते थे, डेली जीवन यापन किया करते थे, दो चार दिन तक तो इन लोगों ने कैसे कमर कसी, लेकिन अब पूरी तरीके से फंदा इनके गले में कसता दिखाई पड़ रहा है। इन लोगों ने प्रशासन से ये गुहार लगाई कि इनको खाना और पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ तमाम तरह के सामाजिक संस्थाएं भी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं भारी संख्या में। और सामाजिक संस्थाओं से पूछने पे पता लगा कि ये लोग डेली कमाने और खाने वाले हैं, कोई कंबल बेचता है तो कोई चद्दर बेचता है। आज इनके सामने खाने की समस्या है, जिसके लिए ये सड़क पे आ गए हैं। प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस रखी है। सुल्तानपुर जिले की तेज तर्रार डीएम श्रीमती सी इंदुमती ने सबसे ये वादा किया है कि कोई पेट भूखा नहीं रहेगा। इसके लिए सुल्तानपुर डीएम को योमेश न्यूज चैनल की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ।